आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता। मैं हूं आपके साथ हिंदी वाजपेयी। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटिहार दिनांक 1/1/2024 आज विकास भवन सभागार में बिहार गृह रक्षा वाहिनी कटिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 2/2011 के गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन हेतु दिनांक 27 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक BSAP 7 मैदान कटिहार में प्रखंडवार आयोजित शारीरिक दक्षता जांच में अंतिम रूप से चयनित सभी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के 111 एवं शहरी क्षेत्रों के 34 कुल 145 अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी व उप विकास आयुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। बता दें कि कटिहार जिला में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के नेतृत्व में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरह से आयोजित कराने हेतु विशेष रूप से तैयारी की गई, जिसमें स्वच्छ नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का दौड़ से लेकर ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक सहित सभी प्रकार की व्यवस्था को डिजिटलाइज किया गया और वह हो रहे हर गतिविधियों को हाई क्वालिटी के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। उक्त कार्यक्रम को शांतिपूर्ण वातावरण में आयोजित कराने के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था की गई है। इस शारीरिक दक्षता जांच की मॉनिटरिंग के लिए वरीय पदाधिकारियों को भी विशेष दायित्व दिया गया था। विज्ञापन संख्या 2/2011 के गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन हेतु अभ्यर्थियों क्रमवार तरीके से शारीरिक जाँच दस्तावेज लिया गया, जिसमें अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन किया गया। तत्पश्चात अभ्यर्थियों को दौड़ में शामिल किया गया। जिन्होंने दौड़ में सफलता प्राप्त किया तो उनका निर्धारित मापदंड के अनुरूप डिजिटली ऊंचाई, चेस्ट, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक व मेडिकल जांच लिया गया, जिसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक व ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुसार प्रखंडवार, आरक्षण कोटिवार, अनुमान्य पद एवं शेष रिक्त पदों के विरुद्ध अंतिम रूप चयनित गृह रक्षा वाहिनी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया। शारीरिक दक्षता जांच में सफल होकर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जिला में गृह रक्षा वाहिनी के स्वच्छ नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों को वरीय की निगरानी में लगभग 8,500 आवेदनों को जांच उपरांत मास्टर चार्ट त्रुटि रहित बनाया गया। उसके पश्चात सभी प्रकार की प्रक्रिया डिजिटली किया गया। इस प्रकार की प्रक्रिया कटिहार जिला में पहली बार डिजिटलीकरण किया गया। जिला में गृह रक्षकों की स्वच्छ नामांकन हेतु जो भी प्रक्रिया अपनाई गई वह त्रुटि रहित, स्वच्छ एवं पारदर्शी थी। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन प्रशाखा जिला परिवहन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सदर अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर पुलिस उपाधीक्षक जिला मुख्यालय यातायात जिला कल्याण पदाधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां।